दस पंद्रह दिन के बाद रोजा छोड़ने का टाइम रहता है। वो तो सब लोगों ने जैसी मदद की है वैसे मुस्लिम समाज के सभी मौलाना ने भी अपील किए हुई है कि अपन भी काम ये करते समय कई लोगों को तकलीफ न हो, इस तरह से करें उन्होंने बताया। तो मैं भी चाहूँगा कि रमजान के इसमें भी सभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने तरी अपने शहरा मधे कोरोना की संख्या कमी आली तरी जी इंजेक्शन की मागणी थ्रूआउट महाराष्ट्र भारतामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे। पण आत्ता आपण पाहिलं असेल तीन दिवसापासून महाराष्ट्रभर पोलिसांच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी रेड केले, त्या ठिकाणी इंजेक्शन चोरी करणाऱ्या लोकांना त्यांना पकडण्यात आलेलं आहे। काही लोक 4,500 इंजेक्शनचं 18,000 25,000 30,000 विकायला लागलेलं आहे। म्हणून या ठिकाणी महाराष्ट्र जनतेने निर्णय घेतला की ज्याला इंजेक्शन पाहिजे आता ते कलेक्टर ऑफिसमधून ते आपल्याला मिळेल, कुठल्याही मेडिकल शॉपमध्ये मिळणार नाही, तुम्हाला कुठल्या मेडिकलमध्ये मिळणार नाही, डायरेक्ट तुम्हाला ते कलेक्टर ऑफिसमधून मिळेल। म्हणून आता थोडंसं मला असं वाटतं अजूनही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून विनंती करेल शहरातील सर्व पोलिसांना की अजूनही काही ठिकाणी असे प्रकार चालू असतील तर आपण ताबडतोब त्यांना त्याच्यावर आळा घालावा अशी या ठिकाणी विनंती करतो आणि या शहराच्या नागरिकांना विनंती करतो। वैष्णील आपल्या अजूनही ज्या पद्धतीने आपल्या शहरामध्ये लोकांनी घ्यायला पाहिजे, जवळपास आजपर्यंत 11,000 लोकांनीच वैष्णील या ठिकाणी घेतली तर जास्त जास्त वैष्णील कसं घेता येईल यासाठी सर्व आपल्या आपल्या भागामध्ये वैष्णील घ्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करतो। आणि बेल्ट्रॉन में अभी जो इंजेक्शन चोरी का मामला है सर सामने, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो आया उसके लिए माननीय आयुक्त साहब ने अभी बताया कि वहाँ उन्होंने एक कमेटी बैठाई है, उसकी इंक्वायरी की हुई है, एक पुलिस कंप्लेंट की हुई है, अगर उसके बावजूद भी जल्दी से उसका निर्णय नहीं लगा तो हम खुद पर्सनल उसके लिए मालूम लेके हम खुद पुलिस में एक कंप्लेंट करके जो आदमी इसमें उनको ताबड़तोब अरेस्ट किया जाए ताकि आपके कंधे इंजेक्शन की वजह से किसी की जान गई थी उसको जवाबदार कौन है। सर घाटी के अंदर अभी कल देखा परसों देखा गया है कि एक 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 बंदे का जो है तो निधन हो गया, खाली खाली सिलेंडर ला के रख दिया तीन तीन सौ रुपये। अभी देखिए अभी शहर में मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि देश के अंदर आज महाराष्ट्र की परिस्थिति जितनी अच्छी है शायद मुझे नहीं लगता किसी और की परिस्थिति अच्छी होगी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर कोरोनाग्रस्त तो कोई भी जिले का हो, MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं का हो, सब लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, हर लोगों को गैस चाहिए, जिसको वेंटिलेटर चाहिए, हर चीज़ मिलना चाहिए, हमारी कोशिश है। और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र शासन उस हिसाब से आप करना चालू करे हुए, मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद ये देश के अंदर किसी भी राज्य को शिकायत नहीं रहेंगी, मुझे ऐसा यहाँ लगता है। सर अभी कुछ दिनों में रमज़ान आने वाले हैं, अभी प्रतिमन अभी 15 तारीख तक है, तो रमज़ान के लिए कुछ ढील दी जा सकती है क्या? नहीं, अब आप जैसा है कि कोरोना की वजह से अनेक सन आगे हर समाज के आए और सभी समाज के लोगों ने गए साल भी रमजान रहो, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती रहो, शिव जयंती रहो, गणेश उत्सव रहो, सभी जो भी जो सन आए, अभी जैन समाज का महावीर जयंती हो, सभी लोगों ने अपने अपने जितने भी जयंती आए उसके लिए उन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हो, ऐसे कई जयंती आए जो सब लोगों ने इस साल नहीं मनाया। मैं भी चाहूँगा, ईद का मामला है आखिर, अब 15 दिन है मुझे लगता है 15 दिन के बाद रोजा छोड़ने का टाइम रहता है। वो तो सब लोगों ने जैसी मदद की है वैसे मुस्लिम समाज के सभी मौलाना ने भी अपील किए हुई है कि अपन भी काम ये करते समय कई लोगों को तकलीफ न हो, इस तरह से करें उन्होंने बताया। तो मैं भी चाहूँगा कि रमजान के इसमें भी सभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मदद करना चाहिए। सर राशन के बारे में, सर दुकानदार एक तरीके से संप करने वाले हैं, उससे बहुत लोगों की गैर से होने वाली है, तो आप राशन दुकानदार या उनके संगठन के कुछ आपसे कुछ बात हुई है? नहीं, अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि 1 तारीख से अगर वो बंद कर रहे होंगे तो कल या आज शाम में कलेक्टर साहब से मिल गए, उनका क्या कारण है कि सब राशन दुकानदार क्यों बंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं खुद उसके उनसे बात करूँगा और बात करके राशन दुकान बंद नहीं होंगी इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और लोगों को अनाज मिले इसके लिए हम खुद पर्सनल जाके मदद करेंगे। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।